वेलकम बैक, आई एम आरके झा। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 फिजिक्स का केपलर्स लॉ और इस चैप्टर का ये तीसरा पार्ट है। और इस पार्ट में आज हम समझेंगे कि केपलर्स लॉ क्या है और यूनिवर्सल लॉ ऑफ जो ग्रेविटेशन है उसमें जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं कि F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर, यानी बाय आर स्क्वायर जो लिखते हैं, यानी F जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। तो अब यहां एक क्वेश्चन आता है कि न्यूटन जो है ये कैसे गेस किए थे कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम वहां से शुरू करते हैं कि इसका सूत्रपात कैसे हुआ। तो आप देखिए कि सबसे पहले टाइचो ब्राहे नाम के एक एस्ट्रोनोमर थे, दार्शनिक थे, उन्होंने एक सेक्टेंट और कंपास का यूज करके कुछ कैलकुलेशन किए प्लैनेट के बारे में। और उन्होंने जो डाटा रिकॉर्ड किया था उसी डाटा के बेसिस पर जोहान्स केपलर, केपलर जी का पूरा नाम है जोहान्स केपलर, तो टाइचो ब्राहे के द्वारा ये एक्चुअली ऑब्जर्व किया गया था, सारा डाटा कैलकुलेट था। उस डाटा का यूज करके जोहान्स केपलर, जिसको सिंपली हम केपलर भी कहते हैं, जोहान्स केपलर जो है तीन लॉ प्लैनेट के बारे में दी, जिसको हम प्लैनेटरी मोशन कहते हैं और इसीलिए इसको कहा जाता है केपलर का प्लैनेटरी मोशन। तो केपलर ने प्लैनेटरी मोशन में तीन लॉ दिए, उस तीनों लॉ का नाम लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ था। फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ ऑर्बिट कहा गया, जिसमें हम ये समझेंगे कि कोई भी प्लैनेट जब रिवॉल्व करता है सन के चारों तरफ तो प्लैनेट का ऑर्बिट कैसा है उसके बारे में केपलर ने अपने फर्स्ट लॉ में दिए, इसलिए इसका नाम पड़ा लॉ ऑफ ऑर्बिट। उसके बाद दूसरा था सेकेंड लॉ, हम फिर आपको क्या स्टेटमेंट है वो बता रहे हैं, सेकेंड लॉ दिए जिसका नाम था लॉ ऑफ एरिया, उसको फिर हम समझेंगे। थर्ड लॉ दिए जिसका नाम था लॉ ऑफ पीरियड्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले केपलर के लॉ के बारे में। देखिए ये क्या है, एक ऑर्बिट है जिस ऑर्बिट पर कोई भी प्लैनेट क्या रिवॉल्व करता है, और ये जो ओ है इसको आप सन मान लीजिए, सन है, सेंटर है, सेंटर मतलब सन, क्योंकि हमें पता है कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। जब कोई प्लैनेट जब रिवॉल्व करता है सन के चारों तरफ तो केपलर ने अपने फर्स्ट लॉ में ये बताए कि उसका ऑर्बिट कैसा होता है, इसके बारे में केपलर ने फर्स्ट लॉ दिया। और इसीलिए इसका स्टेटमेंट बनता है कि ऑल द प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकल पॉइंट्स। मतलब जब कोई प्लैनेट जब सन के चारों तरफ जब रिवॉल्व करता है तो उसका जो ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल होता है। आप कहेंगे इलिप्टिकल क्या हुआ, तो जैसे आप सर्कल तो जानते हैं, लेकिन अगर हम किसी सर्कल को कंप्रेस कर दें, दबा दें तो वो टेढ़ा हो जाएगा, हल्का दब जाएगा, तो वही इलिप्टिकल हो गया। मतलब सर्कल नहीं है, पूरा गोल नहीं है, वो ओवल है, उसी को इलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं। तो फर्स्ट लॉ जो है जिसको हम लॉ ऑफ ऑर्बिट कहते हैं उसमें हम एक स्टेटमेंट देते हैं कि ऑल द प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन। तो जब ये ऑर्बिट है तो जिस ऑर्बिट पर प्लैनेट जब इवॉल्व करता है तो सन जो है वो उसका फोकल पॉइंट है, मतलब सन क्या उसका सेंटर है। क्लियर, अब देखिए दूसरा लॉ जाएंगे हम समझे। तो सेकेंड लॉ जो था इसका नाम पड़ा लॉ ऑफ एरियाज। तो लॉ ऑफ एरिया क्या करता है, तो देखिए ये एक एक पोजीशन है किसी भी प्लैनेट का, मान लेते हैं कि रिवॉल्व करना शुरू किया तो एक रिवॉल्यूशन में ऐसे घूम के फिर ए पर आता होगा, तो ए से बी तक
देखिए हमने इसको ग्रीन कलर में रंग दिया है और इसको भी ग्रीन कलर में रंग दिया है, लेकिन आप जब इसको देखते हैं तो ये बड़ा लगता है और ये छोटा लगता है। तो रैंडमली अगर हमें कोई कहेगा कि ये एरिया ज्यादा होगा ये एरिया कम होगा, तो ए से बी तक मान लीजिए किसी प्लैनेट को जाने में 2 दिन का समय लगा और यहां सी से डी तक आने में भी 2 दिन का समय लगा। तो अगर कोई भी प्लैनेट जब इलिप्टिकल ऑर्बिट पर जब रिवॉल्व करता है तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल एरिया स्वेप्ट करता है, ठीक है। मतलब ए से बी तक जाने में अगर 2 दिन का समय लगा तो इस दोनों पॉइंट को आप इस फोकस से ज्वाइन कीजिए तो ये आपको एक सेक्टर मिलेगा ए ओ बी, और मान लीजिए सी से डी तक जाने में भी 2 दिन लगा तो ए से बी का टाइम क्या 2 दिन है, फॉर एग्जाम्पल सी से डी तक आने का भी टाइम 2 दिन है, तो 2 दिन में यहां से 2 दिन में ये ए ओ बी एक सेक्टर बनाया और सी से डी 2 दिन का एक सेक्टर सी ओ डी बना। तो जब कोई प्लैनेट जब रिवॉल्व करेगा इलिप्टिकल ऑर्बिट पर तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो सेक्टर होगा दोनों सेक्टर का एरिया सेम होता है, भले ही हमको आपको देखने में कम ज्यादा लगता है लेकिन जब इसका कैलकुलेशन किया जाता है कंपास से तो कंपास से कैलकुलेशन करने के बाद दोनों एरिया सेम आता है, आपको देखने से मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसी को कहा गया लॉ ऑफ एरिया कि व्हेन प्लैनेट्स रिवॉल्व इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स देन इट स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और इसीलिए हम इसका स्टेटमेंट यहां लिखेंगे लिखे हैं द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट्स, देखिए प्लैनेट मतलब प्लैनेट का पोजीशन, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट्स एंड द सन स्विफ्ट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज ए ओ बी का एरिया जितना होगा उतना ही सी ओ डी का एरिया होगा। अब आप लीजिए, अब इसको थोड़ा सा डिटेल्स में और आते हैं। अब आप कहेंगे कि B से C तक जाने में 3 घंटा लगता है फॉर एग्जाम्पल, और E से A तक जाने में भी 3 घंटा लगता है, तो ये सेक्टर 3 घंटा में तैयार हुआ और ये सेक्टर भी 3 घंटा में तैयार हुआ, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जितना BOC का एरिया होगा उतना ही EOA का एरिया होगा। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है केप्लर का कि प्लैनेट जब रिवॉल्व करता है तो वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया को जो है सबटेंड करता है, क्लियर। अब हम समझेंगे कि थर्ड लॉ क्या है, तो थर्ड लॉ के बारे में आते हैं। अब थर्ड लॉ है, तो थर्ड लॉ का नाम क्या है, लॉ ऑफ पीरियड्स। तो लॉ ऑफ पीरियड्स कहता है कि ए से बी तक जाने में कुछ ना कुछ क्या टाइम पीरियड हुआ होगा, कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, फिर सी से डी तक जाने में कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। अगर आप डिफरेंट बुक पढ़ते हैं तो डिफरेंट लैंग्वेज होगा, जैसे मैंने यहां पर एक सेमी मेजर एक्सिस लिखा है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो वहां मीन डिस्टेंस होगा। देखिए ये जो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है, अगर हम सर्कल बनाते हैं तो सर्कल का सारा रेडियस क्या सेम होता है, लेकिन जब इलिप्टिकल ऑर्बिट है तो ये OE, OA, OB, OC, OD अलग अलग लेंथ का होगा। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है, तो फिर इसका एक्सिस सेमी मेजर एक्सिस मतलब रेडियस क्या लेंगे हम, अगर इलिप्टिकल ऑर्बिट्स है आप उसमें जितना भी रेडियस ले रहे हैं सारे रेडियस को ज्वाइन जोड़ दीजिए, जैसे OE का लेंथ, OA का, OB का, OC का, OD का, सबको जोड़ देंगे 1, 2, 3, 4, 5 उसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो यानी पांचों डिस्टेंस का जो एवरेज आएगा वही इसका मीन डिस्टेंस या उसी को हम सेमी मेजर एक्सिस भी कहेंगे, क्लियर। टी का मतलब हो गया कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में उसको जो टाइम लगता है। तो केप्लर ने अपने थर्ड लॉ में क्या बताया, तो ये टाइम पीरियड है एक जगह से दूसरे जगह तक जाने में, और उसका जो मीन डिस्टेंस है मतलब सेमी मेजर रेडियस जो है एक्सिस जो है उस दोनों के बीच क्या रिलेशन है, इसी को केप्लर ने थर्ड लॉ में दिए जिसका नाम हम लॉ ऑफ पीरियड्स भी कहते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली जब कोई भी प्लैनेट जब इलिप्टिकल ऑर्बिट पर इवॉल्व करता है तो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
क्यू ऑफ द मीन डिस्टेंस, मतलब उसका जो एवरेज डिस्टेंस है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहीं प्रोपोर्शनल लिख देंगे इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे हम यहां लिखे हैं तो सिर्फ प्रोपोर्शनल लिखे हैं, कोई इसको पढ़ेगा तो उसके मन में आ सकता है ये प्रोपोर्शनल डायरेक्टली है कि इनवर्स है। तो जब सिर्फ प्रोपोर्शनल लिखा हो तो आप उसको डायरेक्ट ही लेंगे, क्लियर। तो हम केपलर के थर्ड लॉ का स्टेटमेंट क्या देंगे, द स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल पीरियड, मतलब टाइम पीरियड एक जगह से दूसरे जगह तक जाने का टाइम जो है किसी भी प्लैनेट का वो प्रोपोर्शनल होता, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, मतलब स्क्वायर क्या टाइम स्क्वायर जो है स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। इसीलिए जब टी स्क्वायर अल्फा आर क्यूब है तो हम जब इसको इक्वेट करेंगे तो क्या कहेंगे कि आर क्यूब बाय टी स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो हमेशा कॉन्स्टेंट मिलेगा। तो किसी भी प्लैनेट के टाइम पीरियड के स्क्वायर में जब आप उसके आर क्यूब से डिवाइड करेंगे, उसके मीन डिस्टेंस के क्यूब से डिवाइड करेंगे तो हमेशा आपको एक फिक्स वैल्यू मिलेगा जिसको कॉन्स्टेंट करते हैं, क्लियर। दिस इज द केपलर थर्ड लॉ। अब ये हम जब इस चैप्टर का स्टार्टिंग किए ग्रेविटेशन का हम लोग करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं कहां से, न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और उसके बाद हम केपलर लॉ में आते हैं। लेकिन जब आप देखते हैं एनसीईआरटी का बुक देखिएगा तो वो सेकेंड पेज में उसको येल्लो बॉक्स में दे दिया है, तो आपको इसका मतलब यहां ये समझना है कि टाइचो ब्राहे के ऑब्जर्वेशन से केपलर अपना लॉ दिए, केपलर ने जब ये प्लानिटरी मोशन का लॉ दिए तो उसके 100 साल बाद, 100 इयर्स लेटर, 100 साल के बाद न्यूटन जो है ये गेस किए कि स्क्वायर ऑफ टाइम डिस्टेंस जो होता है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी हम जो यूज करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये न्यूटन ने गेस किया। कहां से गेस किए, तो केपलर का जो तीनों लॉ था उस बेसिस को 100 साल के बाद उनके मरने के बाद उनके डेटा से न्यूटन ने गेस किया। अब हम समझेंगे कि न्यूटन ने आखिर ये गेस कैसे कर लिया कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का। तो चलिए हम लोग इसको पहले समझते हैं। अब लोग इसके बाद केपलर के तीनों लॉ को समझने के बाद जो मैं अभी बता रहा था आपको, जो न्यूटन ने ये कैसे गेस किया इनवर्स स्क्वायर रूल का, कि हाउ डिड न्यूटन गेस द इनवर्स स्क्वायर रूल। तो क्वेश्चन क्या है कि हाउ डिड न्यूटन गेस द इनवर्स स्क्वायर रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में समझते हैं। इसको समझने के लिए अभी जब लोग केपलर का लॉ पढ़े, फर्स्ट लॉ में क्या था कि इलिप्टिकल ऑर्बिट पर इवॉल्व करता है जहां उसका फोकस सेंटर हो सन होता है, फोकस या सेंटर उसका सन होता है। तो जब कोई भी प्लैनेट जब इस ऑर्बिट पर इवॉल्व करता होगा तो निश्चित है वो मोशन में है, उसका कुछ ना कुछ क्या वेलोसिटी तो होगा। तो अब क्या है कि अगर कोई भी प्लैनेट जब रिवॉल्व करता है इलिप्टिकल ऑर्बिट पर तो उसका वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा जिसको हम वी मान लेते हैं, ठीक है। और दोनों ऐसा क्यों नहीं होता हो कि प्लैनेट जो है ना सन के चार जो है ना सन के द्वारा अट्रैक्ट हो जाता, ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि दोनों के द्वारा सेंटर जो है वो भी प्लैनेट पर फोर्स लगाता है, प्लैनेट भी सेंटर पर फोर्स लगाता है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाता है, जो फोर्स बैलेंस रखता है उसको, और उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर के द्वारा जो फोर्स लगता है सन के द्वारा जो फोर्स लगता है प्लैनेट पर उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स का भी सिंबल आप एफ देंगे, ठीक। दूसरा क्या याद रखना है कि जब कोई भी प्लैनेट जब ऑर्बिट पर इवॉल्व करता है तो उस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी का, ठीक, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस का। इसीलिए हम लिखते हैं कि एफ जो होता है, एफ मतलब यह कौन है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं,
सेंटर के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस का, मीन डिस्टेंस का। क्लियर? इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एफ अल्फा वी स्क्वायर, ये जो नीचे में आर है इसको हम अलग से इंटू वन बाय आर लिख सकते हैं। ये बताने का सेंस है कि आगे आपको कैलकुलेशन समझ में आएगा। अब देखिए, हम जानते हैं कि वी का मतलब वेलोसिटी या स्पीड कही, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होगा वो क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। और ये प्लैनेट कितना चक्कर, एक चक्कर जब लगाता है, एक चक्कर कितना भी चक्कर लगा उतनी मतलब है, एक चक्कर की बात हम कर रहे हैं, तो एक चक्कर में इसका सरकमफ्रेंस होगा, और सरकमफ्रेंस क्या होगा इसका, टू पाई आर। तो भी जो होगा वो डिस्टेंस बाय टाइम होता है, वेलोसिटी या स्पीड। तो डिस्टेंस इसका एक रिवोल्यूशन में कितना कवर हुआ, टू पाई आर बाय टी, जहां टू एक नंबर है, कॉन्स्टेंट है, और पाई भी एक नंबर है, इरेशनल नंबर है। इट मींस ये टू पाई क्या है, एक कॉन्स्टेंट है, आप इसको हटा दो तो सीधा हम कहेंगे कि भी जो होगा वो आर बाय, कॉन्स्टेंट मतलब क्या, इसका वैल्यू फिक्स है, इसलिए कोई इसको हटाने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके पास क्या बच गया कि वेलोसिटी आर बाय टी होता है। अब हम क्या करेंगे कि अगर वेलोसिटी आर बाय टी हुआ तो आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो पहले स्क्वायर करने से पहले मेरे पास क्या है, वी इज इक्वल टू आर बाय टी। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो वी स्क्वायर हो जाएगा, और r बाई टी का स्क्वायर r स्क्वायर बाई टी स्क्वायर हो गया। तो ऑन क्योंकि पहले हमें क्या मिला, v इज इक्वल टू आर बाई टी, स्क्वायर कर दिए तो क्या मिल गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। अब ये जब हमें मिल जाएगा तो हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को r और r से मल्टीप्लाई, देखिए r बाय r तो ऑलरेडी कैंसिल है, वन है, इसमें हम कुछ चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम r बाय r से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब वो वन है, आप उसमें कुछ भी, अब आप r से क्यों कर रहे हैं, तो r स्क्वायर है, और केपलर के थर्ड लॉ में क्या था, r क्यूब, इसीलिए हम r क्यूब बनाने के लिए स्क्वायर को क्यूब बनाना है, इसीलिए हम r बाय r से मल्टीप्लाई किए, बट इसमें हम कुछ इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं क्योंकि r बाय r वन होता है, इसीलिए वी स्क्वायर क्या मिल गया, आर स्क्वायर इंटू आर यानी आर क्यूब टी स्क्वायर इंटू आर। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, आगे जब हम इसको कैरी करेंगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यूब आर स्क्वायर इंटू आर आर क्यूब बाय टी स्क्वायर इंटू, अब नीचे में आर बचा हुआ है आप इसको वन बाय आर लिख लिए, ठीक है। अब यहां आ जाइए, इसको हम आर क्यूब बाई टी स्क्वायर क्या है, अकॉर्डिंग टू केपलर थर्ड लॉ आर क्यूब, अभी तो हम आपको यहां क्या समझाया कि कॉन्स्टेंट को आप हटाते चलिए, क्योंकि कॉन्स्टेंट का मतलब ही होता है जिसका वैल्यू फिक्स है। अगर हम आर क्यूब बाई टी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू केपलर थर्ड लॉ ये कॉन्स्टेंट है तो इसको भी हटा देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाय आर मिला, आप इसको सेकेंड इक्वेशन में मान लेंगे क्योंकि ये क्या है, ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है। आपके पास फर्स्ट इक्वेशन क्या था, एफ अल्फा वी स्क्वायर बाय आर, और सेकेंड इक्वेशन में आप वी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिए। तो अब हम यहां लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन वन एंड टू, वन एंड टू, एफ अल्फा वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, वन बाय आर, और नीचे में ये आर अभी बचा हुआ है इंटू वन बाय आर, तो एफ अल्फा वन वन जा वन और आर इंटू आर क्या, आर स्क्वायर, देखिए एफ अल्फा क्या आ गया, आर स्क्वायर हो गया, और इसी से न्यूटन ने गेस किया था कि जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखा होगा उसके बीच जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर? तो आज हम इस सेशन में दो बात समझे कि केपलर्स का लॉ क्या है, केपलर्स का लॉ कहां से आया, उसके बाद केपलर्स का लॉ मिलने के कितने दिन के बाद न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, उस लॉ में जो इनवर्स स्क्वायर रूल था वो कहां से आया,
कितने दिन के बाद वो डाटा कैलकुलेशन किया गया, तो 100 साल के बाद। ठीक है, तो इतना थे आज के सेशन में, आप इसको देखिए, फिर अगले पार्ट में हम इसका अगला पार्ट लेके आएंगे। थैंक यू।